बच्चों, यस सर, आवाज मेरा आ रहा है? यस अच्छा, सर, सारे बच्चों को आ रहा है? वेरी गुड। और सर, हाँ, शाबाश, सब अच्छे बच्चे। ये तुम जरा अपना मेरे को अटेंडेंस दे दो, ठीक है? यस अटेंडेंस, सर, हाँ अटेंडेंस दे दो बेटा। 17 तारीख है, 17 तारीख अटेंडेंस दे दो। अर्पिता, अर्पिता गौर, अर्पिता नहीं है, भूमिका, चहक नहीं है, गौरानवी, प्रेजेंट सर, हाँ हसोनी बीच में, गुलशीन नहीं है, हिमांशी, लक्षिता, प्रेजेंट सर, नीलम सिसोदिया, प्रेजेंट सर, सानिया, शियाली, प्रेजेंट सर, श्रेष्ठा भट्टाचार्य, प्रेजेंट सर, सृष्टि पांचाल, प्रेजेंट सर, तमन्ना अग्रवाल, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट विभा हाड़ा, सर, आकर्ष, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट आकाश, सर, आर्यन, प्रेजेंट, अभिभव, अभिनव प्रताप सिंह, सर वो प्रेजेंट है, उसका माइक खराब है। ठीक है चलो। ए आकाश, सर, अंश, आर्यन, आयुष गहलोत, प्रेजेंट सर, चंद्रवीर सिसोदिया, गर्वित धाकड़, हिरण्या कुमावत, गर्वित सर सर गर्वित दागर प्रेजेंट, धाकड़ों के, रम्या, हृदय, हितेश, हार्दिक सैनी, ऋतिक सैनी, कालू, मोहम्मद अर्श खान, प्रेजेंट सौरव, सर, सूरज, प्रेजेंट बिरंदर, विशुल, विशेष, विस्मय, बी सेक्शन, आरती गुजर, प्रेजेंट जया, प्रेजेंट सर, किरण, लक्षिता, मीनल नागर, प्रेजेंट सर, मोहिनी, लक्षिता गौतम प्रेजेंट है, प्रेजेंट ठीक है, मोहिनी मोहिनी शुक्ला, नेहा छिपा, निवेदिता, पारुल, पार्वती, प्रवलीन, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट प्रियांशी गिरी, शानिया, सर, भाई फर्स्ट एड में से लेना दोनों। तुबरा झा, प्रेजेंट सर, स्वाति पकोलिया, प्रेजेंट सर, अभय नहीं, आदित्या, भव्या, चेतन, चिन्मय, प्रेजेंट सर, दर्श, भाई कोई आएगा मेरे से? प्रेजेंट सर, ध्रुव, दर्श ध्रुव, जैन प्रेजेंट, हाँ कर लिया, ध्रुव, प्रेजेंट सर, चलो ठीक है, गर्वित, प्रेजेंट सर, कौन सा नंबर? हार्दिक, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट हंस आहिर, मनीष, सर, निखिल, निखिल, पार्थ सैनी, प्रदीप सेन, चाहिए प्रवीण सेन, ऋषभ, रितेश, रुद्रांश मलिक, स्वरूप, दिस उज्जवल,
प्रेजेंट सर। विशुल प्रेजेंट सर। विशेष प्रेजेंट सर। एनीबॉडी एल्स, कोई छूट गया? कोई छूट गया तो बोलो सर। रोल नंबर 90136। नहीं नहीं ऐसे नहीं, तुम अपना नाम बोलो सर। विस्मय। विस्मय, हाँ विस्मय, ठीक है। 90136। अरे विस्मय, विस्मय गर्ग हो क्या? नेक्स्ट सर। सानिया नसरीन। क्या फिर से? सानिया नसरीन, नाइन्थ है। सानिया नसरीन, हाँ ठीक है, हो गया। बोलो नेक्स्ट। ओके सर। कौन? नाम बोलो। मीनल नागर। मीनल नागर का मैं कर लिया हूँ सर। भव्य कुरियावत प्रेजेंट है, उसका माइक खराब है। अच्छा भव्य कुमावत, ठीक है। मैं किस क्लास में है भव्य? 9B। ठीक है, BH भव्या कुमावत, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट सर। रोल नंबर 2। हाँ बोलिए। रोल नंबर 2 जया। जया पांचाल किस क्लास? यस सर। किस क्लास में? ए बी? नाइन्थ बी। नाइन्थ बी में जया पांचाल, ठीक है, हो गया। ओके चलो T54 स्टडी दैट यू हैव स्टडीड अबाउट दैट सोशलिज्म। इन दैट सोशलिज्म आई हैव टोल्ड अबाउट this Karl Marx and Friedrich Engels. Karl Marx was the leader of socialism and Friedrich Engels his follower. In his life maximum he contributed about that socialism. It means that giving importance to society. In that society, 3 classes are there. First, second, and third. Third class is denotes as the labor class, and that labor class or workers in industry. So in that country of USSR, USSR, Union Soviet Socialist and Republic, this is the country, big country, important, powerful, giving importance to arms and ammunition. Okay, armament, and it is the complete rival of USA, and it was it developed since history. Then after have a lot of effort in USSR. In that USSR in 1990 there was a split in that by civil war
in the country, and after that USSR was splitted by CIS, and Russia. Okay. And nowadays this Central Independent States, it is total 15. They are struggling still today, and they are struggling for their life and social development. They are not getting such facilities, and Russia is most important nowadays, even after the split, after 1990. It is a powerful country, and following the theory of socialism. Okay, socialism means giving importance to workers in industry. And industry, and for that purpose in olden period, after the liberals, the radicals, conservatives, the arrival of this, and he worked a lot giving importance to weaker section, the labor class in the industry, and he formed trade union is such a organization. Under that trade union, the industrial, in the industry, the laborers can fight for their freedom and privileges. In early time, the capitalist people are there, and the worker class, capitalistic people enjoying having the facilities and have all economical power along with them, enjoyed their life full of comfortability. And the working, those classes, they are working for an industry, they are struggling, no any fixation of time, pay, facilities. It was announced by capitalistic people. So Karl Marx and Friedrich Engels, they decided to change this old mentality and try to bring it and giving importance to this class. And after that change in the life, working conditions, time, medical facilities, and other grievances to all laborers, those who are working in industry. Industry is such a setup of all parts. Before industrialization, while we taking the example of our country, before independence, we were under the colonial rule, and we were struggling like anything, no development at all. They exploited in all ways and improved the economical conditions, giving importance to agricultural activities for those products, which is very, very important in different parts of the world, European countries, and earning more and more foreign exchange. And it was the development of colonial ruler.
and there was no totally development of our people. They are struggling during that time. After independence, change was brought in our country. First, agriculture, and only agriculture was the first productions, but we are very backward country during that time, struggling for all activities. Slowly, slowly, in 1969, this is the time of coming industrial revolution in our country. England was the first of industrial revolution in 17th century. See the gap, 17th century mid, and then after to nearly 20th century, a huge gap of years, and then industrial development is started in our country. So after industrial development, it giving importance and set up different type of industries of our then government during that time, and iron and steel was the, you have knowledge, basic industry, backbone of industry, first industrial activities, and that is started with the collaboration of different world countries, Russia, Germany, France, in this way. And all steel plants have been settled in 1969. And during that time, Congress Ministry was there, and it was the time after Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, 1966, the Green Revolution, and then after the industrial activities by Srimati Indira Gandhi. And she worked a lot, because the industrial revolution is only the way during that time, even though nowadays measure the development, measure the economical status on industrial activities. Nowadays, the countries where there is no industry, they are 100% depend on others for all matters. There is no their own production. But the countries, those have different industries, production is high. They are developing country and try for developed country like America, France, Germany, Japan, Russia, etc. So that hero Karl Marx worked and coming socialism, and after coming socialism, all facilities and grievances given to those class, and along with that, countries develop, development in the people, their conditions and all, as well as what are the decisions taken in that, in which the more importance of the trade unions. Trade union is such a setup that is working for the labor class, the worker class, to make you more easy to you. I am just here in Rawat Bhata, there is a big industry, nuclear power plant,
ऑल स्टूडेंट्स मैक्सिमम देयर पेरेंट्स आर वर्किंग इन दिस प्लांट चिल्ड्रेन ट्रेड यूनियन इज हियर ऑल्सो एक्टिव यू ऑलवेज हर्ड ऑलवेज देयर इज स्ट्राइक सम डिमांडेड साइलेंट प्रोसेशन इट्स गोइंग ऑलवेज इन आवर स्मॉल रावत भाटा दैट इज द वर्क ऑफ दिस ट्रेड यूनियंस इन रावत भाटा बी एम एस इंटक एंड सी टू सी टू इज मीन्ट फॉर फॉलोइंग द थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म कम्युनिस्ट दैट इज द सी टू इन आवर कंट्री टू पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर दोज हू बिलीव फेथ ऑन दिस ऑफ द थ्योरी ऑफ मेओ चाइना कम्युनिस्ट कंट्री दैट इज पी पी आई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड पी पी आई एम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट मार्क्सिस्ट बच्चों यहां पे मार्क्सिस्ट इसलिए कि दे आर फॉलोइंग द थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स एंड दोज दे आर द कम्युनिस्ट एंड ही आर दे फॉलोइंग द थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स द स्टेट्स दो जो बिलीविंग मैक्सिमम ऑन दिस त्रिपुरा सम ईस्टर्न स्टेट्स केरला तमिलनाडु कर्नाटका दे हैव मोर फेथ ऑन दिस बोथ देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड बोथ आर सेक्युलर पार्टी बोथ आर द सेक्युलर पार्टी सेक्युलर पार्टी मीन्स दोज हु गिविंग इंपॉर्टेंस टू देयर इज नो एनी स्पेशल रिलीजन According to the Constitution of India, all religions are equal and important in our country. Such political party is known as the secular party, giving importance to all religion. So this theory. Second, that trade union formation That is the BMS, Mazdoor Sabha, that is Bharatiya Mazdoor Sabha, it is also a group and nowadays this having in power and working for the development of this class in Rawat Bhatta. And in Chak, that intergovernment is just related with the Congress, those who following the theory of Congress in our country for trade unions, that is secularism, liberalism, freedom and all. So in this way, three types of this
ट्रेड यूनियंस आर रनिंग इन आवर स्टेट दिस रावत भाटा एंड ऑल मोटो इज गिविंग इंपॉर्टेंस टू दिस. Earlier, what are the decisions taken by this capitalistic people or the administration in that no one trade union member or the workers attended by that meeting, only the administration can tip the decisions. And it is always one-sided. But after the effort of Karl Marx and Friedrich Engels, it was spread not only in Russia, but throughout the world. And that influences all. After Second World War. And in that, what are the decisions today taken in that it is attended by trade union members and they are trying to facilitate the working conditions and all the facilities to those class. In this way, socialism is brought in Russia. Okay, children, with this, I am checking myself with this topic of Russian Revolution and Karl Marx. And in next class, I will tell other more informations in that. With this, thank you, children. Okay, sir. And once again, we will meet. Be blessed and be happy. Okay. Okay, sir. Thank you. तुम लोगों को एक बाय सर थ्योरी समझ में आया? यस सर. कि सोशियलिज्म होता क्या है, कार्ल मार्क्स ने क्यों लाया, उसके पीछे क्या एम था, देश को कार्ल मार्क्स को क्या बताना था, ये सब समझ में आया बच्चों? यस सर. ये हिस्ट्री है, हमेशा ध्यान रखना. हिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि हम हिस्ट्री को स्टोरी के जैसे उसको पढ़ लेते, उसमें जरूरी उसमें जो जरूरी कॉन्सेप्ट होता है उसको हम याद करते हैं. ये हिस्ट्री पढ़ने का तरीका है. तुम 9 में हो, अगले साल 10 में जाओगे और कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते, स्टोरी को समझ लेते. और तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो तो अपने इंग्लिश को यूज करते हुए और हिस्ट्री को एलाबोरेट करके आगे लिखते जाना है. ठीक है, जो चीजों को पूछा जाता है उसको कॉन्सेप्ट को देते हुए और एलाबोरेट करके अपने आंसर्स को हम इंक्रीज करते जाते. ये हिस्ट्री पढ़ते हैं बच्चों इसी टाइप से. उसको रटने की जरूरत नहीं, उसको सिर्फ पढ़ना है और पढ़ के तुमको समझ लेना है, समझ करके लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है. ये हिस्ट्री इस तरह से पढ़ते. ज्योग्राफी जब हम पढ़ने लगते तो ज्योग्राफी की चीजें मैक्सिमम हम याद करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी हम इसलिए याद करते कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पूरा जो मार्किंग और ये सब होती है हम थोड़ा लिखते, लेकिन नंबर उसमें मैथ्स के जैसे मिलता है. हिस्ट्री में मैथ्स के जैसे नंबर नहीं मिलते, उसमें नंबर हमेशा कट जाते हैं. फिर हम इकोनॉमिक्स पढ़ते तो इकोनॉमिक्स में भी चीजों को मैक्सिमम हम याद कर लेते, क्योंकि उसकी मार्किंग भी मैथ्स के जैसे होती है. लेकिन जब हम सिविक्स पढ़ते तो उसमें भी हमको मगअप करने का जरूरत नहीं, समझना है, लैंग्वेज यूज करना, प्रेजेंट सिचुएशन. जैसे अभी मैंने प्रेजेंट सिचुएशन को लेके ट्रेड यूनियन को एक्सप्लेन किया, उसमें
हमने रावत भाटा का एग्जाम्पल डाला क्योंकि तुम रावत भाटा में रहते हो, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट एक्सप्लेनेशंस विद सपोर्ट ऑफ एग्जाम्पल्स। तो इस तरह से बच्चों हम सोशल साइंस को कवर करते। ओके ओके सर। हाँ बाय बेटा। बाय सर। थैंक यू। बाय सर। बाय बाय सर। थैंक यू सर। हाँ वेलकम।